नमस्कार दोस्तों, लेकर आया हूँ एक बहुत ही रोचक जानकारी। जो नया डिजिटल सेवा पोर्टल न्यू डिजिटल सेवा पोर्टल स्टार्ट हुआ है और उसमें एक सीएससी स्किल नाम की सुविधा आई है, तो ये क्या है? सीसी स्किल ट्रेनिंग के नाम से सुविधा आई, तो ये क्या है और इससे कैसे काम करना है? इसमें मैं आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, विस्तार से बताने वाला हूँ। तो अगर आप इन सभी के सवालों के जवाब जानना चाहते हैं कि सीएससी स्किल सेवा क्या है, आपको इसमें कैसे काम करना है, आपको कितना कमीशन मिलेगा, आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब मैं आप इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप ये रेड कलर का बटन देख रहे होंगे मेरे चैनल पे, जिस पर क्लिक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो वहां भी एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो मेरे चैनल को आप वहां से भी सब्सक्राइब कर पाएंगे। वेरी गुड दोस्तों, ये होगा कि आप मेरे सभी वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगा आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। और आपको एक वहां पे घंटी बनकर आ रही है, उस पर क्लिक कर दें तो वहां से उससे ये बेनिफिट होगा कि जब भी मैं अपलोड करूंगा एक नया वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा जो अपलोड किया गया है दोस्तों। तो अगर आप सभी सेवाओं के बारे में जानना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल इन हिंदी, तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको इसमें ट्यूटोरियल में स्टार्ट कर चुका हूं, आपको समय समय पर हर एक स्कीम की जो भी स्कीम आती रहती है उसके बारे में जानकारी देता रहता हूं, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनका सलूशन अपनी तरफ से पूरी देने का कोशिश जरूर से जरूर करता हूं। और तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने उस पर डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉग इन हो जाए, तो मैं पहले से लॉग इन हूँ दोस्तों। तो आप इसमें जैसे लॉग इन होंगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। अब इसका सर्विसेज पे क्लिक करें, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आप ये सारी सर्विसेज आप खुल जाएंगी। जो देखो बहुत सारी सेवाएं ऐड हो चुकी हैं दोस्तों, और अभी बहुत सारी ऐड होना अभी बाकी हैं। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बता भी रहा हूँ, जितना मैं रोज एक आध वीडियो जरूर बताता हूँ कोई भी सर्विस है या कैसे आपको यूज करनी है, कितना कमीशन, क्या सारी डिटेल उसके बारे में शेयर करता हूँ आप लोगों से। चलो दोस्तों, मैं आज इसकी बात करने वाला हूँ, वो स्किल से रिलेटेड सेवा है, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा स्किल का जो सेंटर है, स्किल का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो तैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। इस पर मूव करने कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये थर्ड नंबर में दिख रहा है सीएससी स्किल सेंटर फाइनेंशियल सर्विस स्किल। तो सीएससी स्किल सेंटर क्या है दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपसे, तो देखते रहे मेरा वीडियो। तो अब इस पर क्लिक शेयर पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे क्लिक शेयर पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा क्या लिख के आ रहा है, पॉपअप खुल के आ गया, इसमें क्या बोल रहा है, अपॉर्चुनिटी फॉर रिलीज टू वर्क इन स्किल स्पेस सीएससी एज स्किल सेंटर। दोस्तों वो बोल रहा है जितने वीएलई भाई हैं उनके लिए कि ये सुनहरा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि वे स्किल सेंटर खोलकर बच्चों के स्किल बना सकते हैं और अच्छी खासी कमीशन पा सकते हैं। अब बेनिफिट देखो, बेनिफिट टू द वीएलई फॉर सीएससी स्किल सेंटर रजिस्ट्रेशन। अगर आप सीएससी स्किल सेंटर ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उससे क्या आपको फायदे मिलने वाले, वो आपको यहाँ पे इसमें बताया गया है। ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू अर्न हैंडसम मार्जिन एज पर द गवर्नमेंट स्कीम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड इंडस्ट्रीज बेस्ड कोर्सेज। दोस्तों तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री है, वो इसमें स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और भी उनकी टीम बहुत तेजी से वर्क कर रही है। तो ये बता रहा आपको अगर इस पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ग्रेट हैंडसम मार्जिन मिलेगा, कमीशन मिलेगा और आप बहुत अच्छे से काम करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, रियली टू क्रिएट अ पूल ऑफ रेडली अवेलेबल एंड एडिक्वेटली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉर इंडियन एंड द इंटरनेशनल जॉब रिक्रूटमेंट। तो आप यहाँ से क्या है, इंडिया के लिए और इंडिया से बाहर के लिए लोगों को स्किल कर पाएंगे और उनको जो भी स्किल सेंटर में बताएंगे वो उनके लिए जॉब के लिए फायदेमंद होगी। थर्ड है, रियली विल बिकम अ सेंटर फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड फॉर द कम्युनिटी। तो रियली जो भी स्किल बनाएगा लोगों के उससे अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, सबसे पहले रोजगार की, जो सबसे बड़ा मुद्दा अपने देश में छाया हुआ रोजगार। दोस्तों रोजगार अच्छे लोगों को नहीं मिल रहा है, यहाँ तक हम लोग ग्रेजुएशन और बहुत सारी चीजें करके डिग्री लिए बैठे बैठे कहीं भी रोजगार का नाम तक नहीं है। तो दोस्तों यही स्किल आपको बताएगा, अगर आपके अंदर कुछ भी हुनर है तो उसको ये प्रमाणित करेगा, उसका टेस्ट होगा और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके माध्यम से आप कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं। दोस्तों अब चलो बात कर लेते हैं, टू इनिशिएट सेंटर
प्रोसेस ₹1,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सीएससी वैलेट। अगर आप CC100 चलाना चाहते हैं तो दोस्तों मामूली सी यहाँ पे फीस ली जा रही है केवल ₹1,000, ₹1,000 में आप सीएससी स्किल सेंटर चला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये पॉपअप विंडो आपका कह रहा है, अगर आप समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर नहीं आया तो प्लीज उसे जरूर पूछ ले। मैं पहली बात तो आपको सभी डिटेल बता चुका हूँ, सीएससी स्किल सेंटर ये स्किल करना है लोगों को, जैसे तुम्हारा प्रधानमंत्री योजना PMKV प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है तो उसी के अंतर्गत ये भी आता है दोस्तों। तो चलो इसको मैं कट करता हूँ, आप इसको समझ गए होंगे। आपको ₹1,000 फीस देनी पड़ेगी अगर आप स्किल सेंटर चलाना चाहते हैं कोई भी, और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में विस्तृत बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलो इस पॉपअप को हम कट करते हैं पहली बात। अब सेकेंड नंबर चलो देख लेते हैं, अभी पोर्टल ऐसा खुल के आएगा आपके सामने। सबसे पहले जॉब सीएससी रोजगार पोर्टल, यहाँ क्या है दोस्तों, आप सपोज दैट किसी व्यक्ति को स्किल बनाते हैं किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, सिलाई कढ़ाई बहुत सारी फील्ड है, कंप्यूटर, आपने किसी बंदे को स्किल बनाया तो आपको यहाँ से रोजगार दिया जाएगा दोस्तों। ये लिखा है सीएससी रोजगार पोर्टल इज अ यूनिक जॉब पोर्टल दैट हेल्प्स ऑल एंट्री लेवल जॉब सीकर टू कनेक्ट विद द लीडिंग एम्प्लॉयर्स अक्रॉस इंडिया वाइज सीएससी नेटवर्क इन देयर लोकेलिटी। बता रहा है दोस्तों तो सीएससी से स्किल लोग होंगे वो सीएससी का रोजगार पोर्टल यूनिक है, अकेला ऐसा है, और वो जो नई जॉब ढूंढ रहे हैं लोग जो अपना स्किल का सर्टिफिकेट लिए हैं और नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपको मददगार करेगा दोस्तों, आपको यहीं पर रोजगार दिलाएगा। कह रहे टू कनेक्ट एवरी जॉब सीकर्स विद द राइट जॉब, जो भी जॉब ढूंढ रहा है तो ये उसको लोग कनेक्ट करेगा। जैसा सपोज दैट आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आपको कंप्यूटर के जॉब में लेकर जाएगा, आपके पास सिलाई कढ़ाई का डिप्लोमा है तो आप सिलाई कढ़ाई वाले फील्ड में जा सकते हैं दोस्तों। तो बोल रहा काइंडली रजिस्टर योर सीएससी एज अ स्किल रोजगार सेंटर, प्लीज स्किल रोजगार सेंटर के लिए आप रजिस्टर करें, इसलिए मामूली से 1000 फीस आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ से आपको जॉब प्रोवाइड होगा। अब देखिए दोस्तों और थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं, आपका सीएससी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्या सीएससी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है क्या दोस्तों, तो इट इज अ टूल टू हेल्प द कैंडिडेट अक्रॉस द नेशन। ये दोस्तों टूल है, टूल समझते हो, औजार समझ लो आप टूल, ये एक ऐसा टूल है जो कि कैंडिडेट को हेल्प करेगा पूरी नेशन मतलब पूरी इंडिया या भारत में, ठीक है, हु वांट टू एक्वायर इंडस्ट्री बेस्ड स्किल थ्रू सीएससी विच इज द नीड ऑफ द आवर। ये कह रहा उन लोगों को ये हेल्प करेगा दोस्तों, LMS जो यहाँ पे दिखाया गया एक टूल है वो उन लोगों को हेल्प करेगा जो नई जॉब ढूंढ रहे हैं। वो मान लो सपोज दैट किसी स्किल उनके अंदर है कोई स्किल, वो उनके उन्हें मान लो कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर में स्किल है, टैली आती है, या फिर सिलाई कढ़ाई या कुछ भी, कोई भी फील्ड हो, आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आपके लिए LMS आपको कनेक्ट करेगा, रोजगार दिलाएगा, उसी की बात कर रहे हैं यार, कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो अप्लाई कांडी रजिस्टर एंड फिल दर डिजायर डिटेल्स, तो कह रहा अगर आपको अप्लाई करना है तो प्लीज रजिस्ट्रेशन करें और अपना पूरा डिटेल भरें। तो ये तो बात होगी दोस्तों LMS की। अब RPL यहाँ पे क्या है दोस्तों, RPL रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL। अब दोस्तों क्या है अंडर, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा, अंडर PMKV प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सॉरी दोस्तों, स्पेशल फोकस इज गिवन टू RPL वेयर इन द प्रायर कंपनेसीज ऑफ द कैंडिडेट आर एक्सेस ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, कैंडिडेट विल रिसीव अ मॉनेटरी रिवार्ड मार्कशीट एंड द गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर आप स्किल डेवलपमेंट से किसी स्टूडेंट को इसके करते हैं तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से। और रिकॉग्निशन ऑफ द प्रायर लर्निंग RPL इज अबाउट द स्किल एंड नॉलेज यू आर गेन्ड थ्रू वर्क एंड द एक्सपीरियंस। RPL एक सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगा जो कि आपको रोजगार दिलाने में मददगार होगा दोस्तों। टू अप्लाई काइंडली रजिस्टर्ड सीएससी एंड फिल द डिजायर्ड फॉर्म, यही बात वो भी कर रहा है कि प्लीज इसको रजिस्टर जरूर कर लें और अपना जो भी है उसमें रोजगार पाए दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो आपने बहुत सुना होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, दोस्तों आपको पता ही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, लोग इसमें स्किल बना रहे हैं लोगों को और जॉब भी दिला रहे हैं, तो इसी के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। सेल्फ पे और बहुत सारे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों अगर पोर्टल में, तो आप सीधा सीधा हम बात कर लेते हैं। सीएससी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको
स्टूडेंट्स को या किसी कोई भी बंदा हो, उसको आपको स्किल बनाना है और उसके थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी जिसके थ्रू वो जॉब पा सकता है दोस्तों। तो सीएससी स्किल सेंटर रजिस्ट्रेशन, तो ये सीएससी स्किल सेंटर प्रोग्राम है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे फिर भी मैं आपको एक बार और समझाऊंगा कि सीएससी स्किल सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को स्किल बनाया जाएगा किसी फील्ड में जिसमें वो माहिर होंगे, जिसमें वो स्पेसिफाई होंगे। सपोज दैट कोई बंदा कारपेंट्री जानता है या कोई कंप्यूटर चलाना जानता है या कोई एनिमेशन जानता है, तो उस फील्ड में आप उसको स्किल करेंगे और गवर्नमेंट उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देगी जिसकी हेल्प से आप वो जॉब प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने अलग से एक सीएससी रोजगार पोर्टल बना रखा दोस्तों, जिससे बहुत सारी कंपनियां कनेक्ट हैं और आपको जॉब प्रोवाइड करवाने में मदद करेंगे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सीएससी का कैसे पोर्टल लेना है, सीएससी स्किल डेवलपमेंट सेंटर कैसे लेना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो देखो यहाँ पे लॉग इन और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप लॉग इन करेंगे, अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपने पॉपअप विंडो ने पहले बता दिया था आपको 1000 फीस डिडक्ट की जाएगी आपके वैलेट से। तो दोस्तों चलो रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों। तो जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो एक नया विंडो खुलकर आएगा, ये देखो दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर सीएससी स्किल सेंटर। आप सीएससी स्किल सेंटर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसमें 5 पॉइंट है दोस्तों, सॉरी 4 पॉइंट है। सबसे एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा, रियली डिटेल फिल करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग सेंटर फिल करना पड़ेगा और ट्रेनिंग सेंटर स्पेसिफिकेशन फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट एड्रेस फिल करेंगे, और अब यहाँ पहला है एरिया। अगर आप रूरल में खोलना चाहते हैं तो रूरल अथवा अर्बन क्लिक करेंगे और अपना स्टेट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, टाउन चुनेंगे, एड्रेस वन, एड्रेस टू एंड पिन कोड एंड सेंटर नेम, आपका जिस भी सेंटर नेम से चला रहे उसका नेम चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, हाँ बाद बात में चलो। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वीएलई डिटेल फिल करनी पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले वीएलई नेम अपना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो भी हो, इसके बाद आप यहाँ फिल करेंगे और आपकी सीएससी आईडी यहाँ पहले से दे रखी है, अपना मोबाइल नंबर, ई मेल आई डी, जी मेल का यहाँ पे मेल भी दे रखा है दोस्तों। इसके बाद ये फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ट्रेनिंग सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भरना पड़ेगा, सेम एज वीएलई। अगर जहां पर आप ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं वहां पे, जहाँ आप जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब आप ट्रेनिंग सेंटर जहाँ खोलना चाहते हैं और जहाँ आपका जनसेवा केंद्र उसका एड्रेस सेम है या कहीं आप अलग खोलना चाहते हैं उसके बारे में भरनी। अगर सेम है दोस्तों, जहाँ पर आपका जनसेवा केंद्र जहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, अगर सेम है तो सेम पर क्लिक करें अथवा नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब भर दें दोस्तों। ठीक है, नहीं तो नहीं करें। तो ये आपका होगा, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आप ट्रेनिंग सेंटर स्पेसिफिकेशन दोस्तों क्या क्या आपके पास है। सबसे पहले आपको एरिया भरना पड़ेगा, आपके पास कितने रूम है, क्या है उसका सारा डिटेल, नंबर ऑफ रूम्स भरने पड़ेंगे, सिटिंग कैपेसिटी भरनी पड़ेगी, चूज नंबर ऑफ लैब्स एंड रूम आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, लैब नंबर ऑफ प्रिंटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्कैनर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं, इस सब आपको दोस्तों यहाँ पे भरना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोटोग्राफ ऑफ द सेंटर, बाहर की फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी अपनी सेंटर की, और जो रिसेप्शन रिसेप्शन है उसका भी यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों, एंड फोटोग्राफ ऑफ क्लास रूम का भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, एंड फोटोग्राफ ऑफ लैब अगर आपके पास है उसका भी आपको भरना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको ये सारी डिटेल भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद वैलेट का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको ये 1000 रुपीज डिडक्ट कराने पड़ेंगे अपने वैलेट से। आफ्टर दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, मैंने अभी रजिस्टर नहीं किया, मैं करूंगा दोस्तों। तो अभी मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ क्या है दोस्तों, आपको कैसे काम करना है इसे। अगर आप कोई सी स्किल सेंटर खोलना चाहते हैं, लोगों को स्किल बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों। इसमें अभी कमीशन का डिसाइनमेंट नहीं हो पाया, वैसे कमीशन अच्छा खासा मिलेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं जल्दी आपको जानकारी करके बताऊंगा आपको कितना कमीशन मिलेगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप इस सेंटर को अगर लेना चाहते होंगे तो रजिस्ट्रेशन कर देंगे और इस सेंटर को ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, एंड अपने दोस्तों को भी बताएं और
अपने अड़ोस पड़ोस जिसको भी बताना चाहें बताएं, क्योंकि एक अच्छा मौका है अच्छा बिजनेस करने का जो कि गवर्नमेंट आपको दे रही है दोस्तों। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, आप मेरा वीडियो जरूर देखेंगे और आपको अच्छा लगा होगा। तब तक लिए दोस्तों मैं जल्दी अगला वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, और बहुत ही बेहतरीन मैं सुधार कर रहा हूँ दोस्तों अपने वीडियो में। पहले मेरे से कुछ गलतियां हुई, अभी भी होती हैं, अगर मुझसे कुछ गलती होती प्लीज मुझे सजेशन जरूर दें और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अगर मेरी तरफ से कोई गलती है तो मुझे जरूर सजेस्ट करें दोस्तों, आवाज नहीं क्लियर आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताएं। अगर आपकी तरफ से आपको कुछ समझ नहीं आया या मैं एक्सप्लेनेशन नहीं सही से कर पा रहा हूँ तो मुझे जरूर बेशक बताएं दोस्तों, मैं आपके सजेशन का स्वागत करूंगा और इम्प्रूव करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, तब तक लिए धन्यवाद।